और दोस्तों अभी रेट और दूध के बारे में भी हम जांच करेंगे कितना दूध है आपको। मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ। तो भैंस को आपको लोगों को दिखाता हूँ, पास से देख सकते हैं। भैया थोड़ा चल के तो दिखा दो, चलाए देना भैया। भैया जी हैं, चला रहे हैं, उनसे मैं बात कराता हूँ कितना लीटर दूध है और कितने दिन की ब्याह है अभी, ये देख सकते हैं। और आपको पीछे से भी मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देख लो भैया, ना थोड़ा चला देना भैया, चला के भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लिया करो। दोस्तों स्वागत है आपको सभी को मेरी वीडियो में। और दोस्तों आज है 23 अगस्त और आज का मैं व्यू दिखाने वाला हूँ आप लोगों को पचोरा फसुआट मंडी का। और देख सकते हो काफ़ी जो मेरे पीछे देख रहे हो भीड़ है आप ही। और दोस्तों आज का जो फसुआट मंडी है इसको हम विजिट करेंगे और अच्छे से जानेंगे और जो अभी रेट क्या चल रही है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आप जो मैं पीछे देख रहे होंगे ये अभी किसान भाइयों की पशु हैं। और दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं फसुआट मंडी के अंदर। सामने दोस्तों मेरे सामने जो आप लोग भैंस देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी भैंस दिखाई दे रही है मेरे को। और थोड़ी सी बात करते हैं भैया। हेलो भैया, चला के तुमने। और दोस्तों अभी रेट और दूध के बारे में भी हम जांच करेंगे कितना दूध है आपको। मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ। भैया कहाँ से? भैया आगरा से हैं। भैया जी क्या रेट मांग रहे भैया? अरे बता दो आप फिर भी क्या रेट दे रहे हो। देखो देखो आप पीछे से कितना दूध है भैया इसके नीचे? 12 किलो कर रहा हूँ बच्चा। 12 किलो दूध? अच्छा पकड़ ले, सुंदर ये है। चलो काफी अच्छी भैंस है। देखो मैं आप लोगों को चला के दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। लो भैया, भैया किसान भाई की भैया। अच्छा जी, इसके नीचे क्या है भैया? देख सकते हैं ये बच्चा है। और दोस्तों आप जो किसान भाइयों की भैंसे देखे होंगे तो उनके गले में सांकर डली होगी, वो किसान भाइयों की भैंस है। और दोस्तों आगे की तरफ और दिखाता हूँ मैं। एक से अच्छी अच्छी भैंसे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर भैया जांच रहे हैं। ओ भैया चलाना भैया, अरे चला के दिखा दो यार, दिखा रहे भैया वो हमें कोई दिक्कत ना, तुम बेचो या मन बेचो वो दिखा रहे हैं। ओह भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि। रवि जी कहाँ से आप? कहाँ से? पथरहुआ। पथरहुआ से हैं। तो भैया ये भैंस बेच रही नहीं है, क्या हुआ? ली है। अच्छा ली है आपने, कितने की ली है भैया? 70 की। एक बार आपको मैं पीछे से दिखा देता हूँ। भैया ही नहीं है भैया, अभी कितने दिन ले जाएगी? अच्छा 4-5 दिन बता रहे हैं भैया। और रेट इन्होंने 70,000 रुपये की ली है। चलो और दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं पशुहाट मंडी के अंदर जो है अभी और आ गया हूँ और यहाँ पर एक भैया जी हैं अपनी भैंस को देख लीजिए। भैया आपका नाम क्या है भैया? विनोद कुमार। कहाँ से भैया? खरेल। और यहाँ से मैं आपको पीछे से और दिखाता हूँ भैंस को। अभी भैया ब्याह ही नहीं है। रुको रुको एक मिनट देखो, कितना दूध दिया भैया आपके घर पे रहिए तो? ये 15 लीटर दूध दिया है। और दाम क्या मांग रहे भैया? 120। पैसे तो बहुत मांग रहे हो तुम, कितना कम भैया? मैं आपको दिखा देता हूँ देखो। अच्छी है, बहुत अच्छी भैंस है आपकी। मोहती ये बताइए आप कितने में दे दो भैया? एक दस में दे देंगे। एक दस में
अच्छा जी, एक दस में दे देंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ, आपको किसान भाई को भैंस लेनी है तो इन्हें खेतों की तरफ थोड़ा सा आना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक हड्डी है, हड्डी के बगल में आपको किसान भाई को भैंसों को देखने को मिलेंगी। और दोस्तों आपको बोपारी भाई को भैंस लेनी है तो आपको उधर जाना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो में बहुत ही कम दिखाता हूँ बोपारी भाई को भैंस है। अगली बार अगर तुम चाहते हो तो मैं बोपारी भाई को भी भैंस दिखा सकता हूँ। दोस्तों ने भैया की भैंस को भी देख लेते हैं, जो भैया भैंस को पकड़ कर ठाड़े हुए हैं। एक बार इनकी भैंस को भी देख लेते हैं। भैया थोड़ा चलाइए, देखिए पीछे से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भैया कितने रुपए मांग रहे हैं भैया? 75,000 रुपये। आप लोगों को मैं एक बार पीछे से दिखा देता हूँ, भैया ने बताया अभी 75,000 रुपये देख सकते हैं। वो तो मुझे ही पता है, देख सकते हैं आप लोग। इसके नीचे क्या है भैया? पड्डा है भैया। कितने दिन हो गए भैया ब्याह के? एक महीना हो गया भैया। पैसे कितने मांग रहे हैं अभी? 75,000 रुपये। और दूध कितना दे देगी भैया ये? 12 लीटर देख सकते हैं। भैया जी बता रहे हैं 75,000 रुपये रेट, और दूध दे देगी 12-13 लीटर के करीब। मेरे हिसाब से तो लगता है कि 10 लीटर आराम से निकाल देगी एक दिन में। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, बिल्कुल ये किसान भाई की भैंस है, देख सकते हैं। आप लोगों को मैं एक भैंस और दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा इसका जो थन है थोड़े से टेढ़े हैं, देख सकते हैं। और आपको पीछे से भी मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देख लो भैया, ना थोड़ा चला देना भैया, चला के भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो। कहाँ से भैया? पचावा। भैया कितना दूध दे रही है ये? 14 किलो दूध है 5 महीने। अच्छा 14 किलो दूध है। और कितने दिन हो गए भैया ब्याह? 5 महीने का 5 दिन? 5 दिन। अच्छा 5 दिन हो गए हैं। तो भैया यहाँ देख सकते हैं क्या है, पड्डा है भैया, पड्डा है भैया। भैया रुपए क्या मांग रहे हो उसके? 31। देख सकते हैं थोड़ा सा जो थन है वो टेढ़े हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं पकड़ के देख रहा हूँ, भैंस भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी जो है अपनी जगह से नहीं हट रही है पकड़ने पर। और यहाँ पर एक भैया जी आए हैं, बात कर रहे हैं, और यहाँ चलेगी भी। देख सकते हैं। और दोस्तों और दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जो है व्यापारी और किसान भाइयों जो भैंस को बेचने या खरीदने के लिए आते हैं। और दोस्तों और अंदर की तरफ और चलते हैं और किसान और व्यापारी भाई से और बात करते हैं। हाँ दोस्तों मेरे सामने जो भैंस देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये भैंस एक दो बारी भी आई है, क्योंकि इसके जो थन हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, देख सकते हैं आप लोग। भैया कहाँ से? भैया गोविंदपुर। ये कहाँ पड़ता है भैया, जिला कौन सा? कहाँ भैया? अच्छा मक्कन। अच्छा जिला फिरोजाबाद है और मक्कनपुर के पास है भैया के। तो भैया क्या रेट मांग रहे हो भैया इसकी? कीमत है 58,000 रुपये। 58,000 रुपये। कौन सा ब्याह था भैया? कौन सा ब्याह था, कौन सी बार ब्याह की है? दूसरा। देख सकते हैं थोड़ा भैया चला दोगे भैया? इसके नीचे क्या है भैया? बढ़िया है भैया। अच्छा पड्डा है, देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी जो भैंसें हैं आती रहती हैं और बिजती रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों आप लोगों को मैं बाहर से जो पशुहाट मंडी है आपको मैं बाहर से ही दिखाता हूँ, और अंदर जाऊँगा तो काफ़ी जो भीड़ है बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाता हूँ, देख सकते हैं। चलो ताऊ जी बिक गई क्या? ताऊ जी बिक गई क्या?
अच्छा बिल्कुल। बिक्की कितने में बिकी भैया, कितने में बिकी? यूट्यूबर है। अच्छा अच्छा, 70 की बिकी भाई साहब। देखो बातचीत कर आगे, तभी तो चलेंगे बाजार में। कहाँ से भैया? हम दिल्ली। दिल्ली से आए हो? हर बार आते हो? हर बार आते। जो जो बजा रहे हैं कैसा रहता है भैया? बढ़िया बढ़िया। जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहते हो आप? बहुत बढ़िया आए भैया। चलो बाकी दिखा दी, मैंने दिखा दी। मैंने आप लोगों को बताया कि काफी दूर दूर से आते हैं। मैंने आप लोग यकीन नहीं करोगे तो आप लोगों ने यकीन कर लिया होगा कि यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली कम से कम यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, देख सकते हैं। और यहाँ पर बिक गई है, नहीं तो आप लोगों को मैं दिखाता और भी। ओहो, ताऊ की भी भैंस देख लेते हैं। भैया ताऊ कहाँ से हो आप? करेल। करेल से हो? ये आपकी भैंस है? तो थोड़ा चला के दिखाइए, दिखा दो, चलो थोड़ा चला के दिखा दो। बड़े बूढ़े हैं यहाँ पर, देख सकते हैं वो भी। ओहो ले आइए ले आइए ले आइए ले आइए। ताऊ कितने पैसे मांग रहे हो? 1,20,000। 1,20,000 कम नहीं होगा थोड़ा के इतने पे? कितने कम हो जाएंगे? कितने? 10,000 बस। ओहो, आप लोगों में पीछे से भी दिखा देता हूँ मैं इसको। कितना दूध दे देगी ताऊ? 14 लीटर। और 14 लीटर से कम हो गया फिर? घर लेके आ जाना। अच्छा, घर लेके आ जाना, चलो। और यहाँ पर देख सकते हैं भैया जो है, अभी जो भैंस के बारे में बता रहे थे वो किसान भाई हैं, करेल से हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे जो किसान भाई हैं आते रहते हैं इस मंडी में। सबसे ज़्यादा किसान मिलेंगे आपको। ये भैया हाय हाय करते हो भैया, हाय करते हो। चलो आए गई थे ये। आपको पीछे से दिखा दी, नहीं बात पूछो आगे, देख सकते हैं। कहाँ से भैया? कहाँ से भैया? कहाँ से हो आप? सुखावास से। कितना दूध दे रही है अभी? ये ब्याही नहीं है क्या अभी? अच्छा, ब्याहने के लिए है। कितनी प्यारी भैंस है यहाँ पर, देख सकते हैं। और यहाँ ने 14 लीटर दूध दिया है ना भैया? 14 लीटर दूध दिया है। कितने दिन ले जाएगी ये? 10 दिन ले जाएगी आराम से। चलो। और दोस्तों, और यहाँ पर अभी जो है बारिश का माहौल हो रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कींच देखने को मिलेगी आप लोगों को, देख सकते हैं। चलो, बहुत ही काफ़ी अच्छी भैंस है भैया। हर बार आते हो ये बेचने? हर बार आते हो बेचने? अच्छा जी। दो अभी जो है बरसात शुरू हो गई है, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेरा फ़ोन भी लैग हो रहा है बरसात की वजह से। और दोस्तों, मैं अभी पशुहार मंडी के अंदर जा रहा हूँ, और मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू हो रखा है। और आज का जो मौसम बहुत ही अच्छा है, और देख सकते हैं यहाँ पर पानी वाले भैया जी भी हैं। हेलो गाइस, हम आज पानी बेच रहे हैं। पानी बेचता है तो बोलो कुछ। भैया पानी बेच रहे हैं, आए करो आए। हेलो। और दोस्तों, मैं आपको और भैंस दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मैं जो भैंस दिखाता हूँ वो खुले की भैंस दिखाता हूँ आपको। मैं दामड़ी वाली भैंस भी दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, ये दामड़ी वाली भैंस है भैया। और भैया आपकी भैंस है ये? और पहले आपको भैंस दिखाता हूँ पीछे, उसके बाद भैंस के व्यापारी से बात कराता हूँ मैं, जो मालिक हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसें हैं, आती रहती हैं, देख सकते हैं। भैया थोड़ा चला के दिखा दो भैया। अच्छा, थक गए हो भैया? कहाँ से आप? नसीरपुर। नसीरपुर, यहाँ से कितना दूर पड़ता है ये?
40-45 किलोमीटर दूर। तो आपके जो भैंस हैं ये कितने पैसे लग गए भैया इनके? इस वाली के 72,000 रुपये लग गए हैं और इस वाली के उसके 70। कितना दूध दिया इन्होंने? 11 किलो दिया। अच्छा अच्छा 11 किलो नीचे जो दूध है मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। अभी जो है भैंस अभी ब्याई नहीं है, देखो देख सकते हो यहाँ पर। अभी मेरे ख्याल से 8-10 दिन दोनों भैंसों हैं तो ले जाएंगी। और देख सकते हैं यहाँ पर दामड़ी के नीचे भी अच्छी अच्छी भैंसें हैं जो व्यापारी भाई को हैं देखने को मिल रही हैं। दोस्तों आप लोग जो मेरे पीछे जो भैंसें दिखाई दे रही हैं और आप लोगों को मैं ये भैंसें भी दिखा देता हूँ और व्यापारी भाई की भैंसें हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार पीछे से कैमरे से। भैया चलाना, हेलो लला चलिए बेटा, देखो दिखा 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 दिखा, भाग रही है भैंस। बेटा भी ब्याह ही नहीं है? ब्याह गई है। ओ वो बच्चा बैठा है। बेटा कितने पैसे मांगे इसके? इसको नहीं पता है। भैया कितने पैसे मांगे भैया? 68,000 रुपये। देख सकते हैं आपको मैं एक बार पास से और दिखाता हूँ, इसके दूध दिखाता हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं। कितना दूध दे देगी भैया? भैया कितना दूध दे देगी? अपना देख लो दूध कितना है। अरे आप बता दो ना एक बार। मेरे हिसाब से तो ये 12-13 लीटर की दूध दे देगी, देख सकते हैं। और इन्होंने 68,000 करीब बताए पैसे, देख सकते हैं। यहाँ पर जो व्यापारी भाई को आप लोगों को पता ही है कि व्यापारी भाई को जो भैंसे हैं वो सब एक एक क्वालिटी में मिलती हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों जो आप लोग ये भैंस दिखाई दे रही हैं आप लोगों को मैं बता दूँ 1,00,000 रुपये से नीचे नीचे की और 60,000 के बीच बीच में। मैं आप लोगों को बता दूं ये व्यापारी भाई वीडियो नहीं बनाने देते हैं और वीडियो बनाता हूं तो मैं पूछ के बनाता हूं। चलो और आप लोगों को मैं दिखाता हूं भैंसे। दोस्तों आप लोग जो मेरे कैमरे में जो भैंस देख रहे हो आप लोग, मैं इसको भैंस को आप लोगों को दिखाता हूं पास से, देख सकते हैं। भैया थोड़ा चल के और दिखा दो, चलाए देना भैया। भैया जी हैं चला रहे हैं, उनसे मैं बात कराता हूं कितना लीटर दूध है और कितने दिन की ब्याह आना है अभी ये। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नारायण कुमार। नारायण कुमार कहाँ से भैया? नगला सूरती। नगला सूरती फिरोजाबाद से। तो भैया ये पशुहाट मंडी कितने दिन लगती है? हफ्ते में एक बार। नहीं दो दिन लगती है ना, शुक्रवार को और बुधवार को। तो मैं आप लोगों को एक बार और भैंस दिखा देता हूँ। मांग रहे भैया इसके 85,000 रुपये, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी भैंस है तो पैसे भी थोड़े उसके हिसाब से सही मांग रहे हैं, देख सकते हैं। तो आप लोगों में जो भैंस दिखाई और ये भैंस का बच्चा है यहाँ पर, देख सकते हैं। क्या भैया इसके नीचे? पड्डा। कितना लीटर दूध देगी ये? कितना लीटर दूध? 12 लीटर। 12 लीटर चौकस 12 लीटर, देख सकते हैं 12 लीटर भैया दूध बता रहे हैं। और दोस्तों आप जो भी आना चाहता है आ सकता है। और दोस्तों आप लोग आने में कोई दिक्कत होती है तो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।